कार्यक्रम की शुरुआत करता हूं। एके मिश्रा राजनीतिक विशेषक हैं, हमारे मित्र भी हैं और बेबाक राय के लिए जाने जाते हैं। मैं मिश्रा जी, इस चर्चा की शुरुआत आपसे करना चाहूंगा। ये तमाम मुद्दों की भीड़ में ये खबर आपको पता चली कि 6 साल में खत्म हो गए 72,000 पद, यानी कि पद खत्म तो नौकरी भी खत्म। इसको किस नजरिए से देखा जाए? रौला जी, एक तो मेरा अहोभाग्य कि आप डिबेट की चर्चा आपने मुझसे शुरू की, इसके लिए मैं कृतार्थ हूँ। दूसरी इम्पॉर्टेंट चीज़, मैं आपकी बातें, जो प्रस्तावना आपने डिबेट के शुरू में बोली, वो मैं सुन रहा था और मुद्दा भी बड़ा जेन्यून है और इसको मैं भटकाने की भी कोशिश नहीं करूँगा। डेफिनेटली बहुत सारे पद या बहुत सारी चीज़ें ऐसी हैं जो परमानेंट तरीके से एबोलिश कर दी गई हैं। एबोलिश कर दी गई है मतलब अब जिंदगी में कभी भी वो पद के लिए वैकेंसीज निकलेंगी ही नहीं, और इसका जवाब आप ही ने दिया। अब फॉर एग्जांपल मैं बताऊं, अगर पहले आज के 20 साल 25 साल पहले जब हम ट्रेन पे चलते थे तो एवरेज स्पीड 40 किलोमीटर पर घंटे की आती थी जी। हमें कॉम्पीट भी करना है, हर चीज करना है, तो ऑटोमेशन जो है हमें करना पड़ेगा। एक एग्जांपल देख लीजिए, पहले सिग्नल मैन होता था, एक पद वो होता था, वो लाइट देने जाता था सिग्नल में, शाम होने के पहले लगाता था। अब सारे सिग्नल ऑटोमेटिक हो गए हैं, इलेक्ट्रिक के हो गए हैं, तो डेफिनेटली अब उसका कोई रोल नहीं है, तो वो खत्म हो जाएगा। किसी भी विभाग में कहीं पर भी आप ये देखेंगे, मैं हर विभाग में डे टू डे लाइफ में बता सकता हूं कि 50 चीजें ऐसी थी जो टेक्नोलॉजी के कारण एबोलिश हो गई। अब एक छोटा सा आपको उदाहरण दूंगा, जब कंप्यूटर आया था, राजीव गांधी जी ने इंट्रोड्यूस किया था, तो अटल बिहारी वाजपेयी जी संसद में बैलगाड़ी से गए थे और विरोध किया था। उन्होंने कहा था कि इससे बेरोजगारी बढ़ेगी, तो इससे सारे कांग्रेस वाले उस वक्त बोलते थे नहीं भाई ये तो गलत चीज है, विकास होगा। मैं कांग्रेस को भी गलत नहीं मानता हूं, कंप्यूटर का आना भी जरूरी है, टेक्नोलॉजी का विकास भी जरूरी है, क्योंकि अगर वो नहीं होगा तो बहुत सारी चीजों में हम पीछे रह जाएंगे। रोजगार क्यों नहीं है, ये आपका मूलभूत प्रश्न मुझे लगता है। एक जगह अगर नौकरियां खत्म हुई तो दूसरे क्षेत्र में आपको जो है जॉब क्रिएट करनी चाहिए या जॉब होनी चाहिए। एक सवाल का जवाब आपने और दिया कि इसका एक कारण है नौकरियां आउटसोर्स हो रही हैं, तो मैं ये बोलता हूं कि नौकरी है तो सही, भले ही वो आउटसोर्स हो या गवर्नमेंट के पेरोल पे हो। हो सकता है गवर्नमेंट ये ना चाहती हो कि हमारे पेरोल पे रहे, उसके पीछे कारण है। गवर्नमेंट की संस्थाएं केवल इसलिए नहीं है कि देश में नौकरियों का लेवल एकदम टॉप लेवल पे जो है बना रहे, इसके लिए वो बिना वजह लोगों को भर के रखे रहे और उनको तनख्वाह देते रहे। ये तो किसी भी विभाग का जो है उद्देश्य नहीं हो सकता है, किसी भी मंत्रालय का, प्राइवेट या गवर्नमेंट का उद्देश्य ये नहीं हो सकता है। हम जो सपना देख रहे थे कि रेलवे भर्ती में करोड़ों युवाओं को नौकरी दी जाएगी, क्रिएट किया जाए। नहीं नहीं नहीं, मैं आपकी बात समझ गया। तो लाखों करोड़ों युवाओं को जो रेलवे में भर्ती देने का सपना हम देख रहे थे, तो उसे फिर हम कैसे पूरा कर पाएंगे? क्योंकि 2019 से पहले तो हमने ये वादा किया था ना कि करोड़ों युवाओं को नौकरी देंगे रेलवे में, मैं गलत तो नहीं बोल रहा? नहीं नहीं, देखिए मैं आपको एक चीज ये बता रहा हूँ कि रेलवे एक सेक्टर था और रेलवे सबसे बड़ा एम्प्लॉई भी था, नियोक्ता भी सबसे बड़ा था भारत में। मैं आपको बता दूं, रिकॉर्ड रहा है, आपको नौकरी करनी है, एक सम्मानित नौकरी करनी है, अच्छी तनख्वाह लेनी है, तो उसके लिए आप ये सेक्टर जो है कि नहीं जी हम तो केवल रेलवे में ही नौकरी करेंगे, हम कहीं और नौकरी करेंगे नहीं। समय के हिसाब से जनता को, युवाओं को भी बदलना पड़ेगा। मैं एक चीज ये बोलता हूँ, सरकार किसी की भी रही हो, आईटी टेक्नोलॉजी का जब रिवॉल्यूशन इंडिया में आया तो कैसे देखो, जिस बच्चे को देखो वही जो है आईटी पढ़ रहा है, आईटी के विद्यालय। तो यानी मैं आपकी बात जो समझ पाया, रेलवे ने जो पद खाली किए हैं कम हो गया मिश्रा जी, तो ये शिफ्ट तो चलता रहता है। हाँ मिश्रा जी, मैं आप ही की बात को आगे ले जा रहा हूँ। यानी आप मुझे ये समझा रहे हैं कि जो रेलवे ने 72,000 पद खाली किए हैं और इसकी संख्या 1,00,000 से ज्यादा हो सकती है आने वाले वक्त में, जो बताया जा रहा है, वो युवाओं के लिए कोई झटका नहीं है, मुझे आप ये समझा रहे हैं? नहीं देखिए, झटका बात ये, देखिए एक चीज है, मैं बार बार ये बोल रहा हूं कि क्या सारे युवाओं ने या 1,00,000 युवाओं ने ये कसम खा के बैठे हुए थे क्या कि हम केवल रेलवे में ही नौकरी करेंगे? नहीं, जो रेलवे में नौकरी, अब 1,00,000 नौकरी खत्म हो रही है, अगर ये जो सीधा सा फॉर्मूला है ना, बदलना पड़ेगा। मिश्रा जी, आप ये कह रहे हैं कि रेलवे में नौकरी करने का सपना जिन्होंने देखा वो सपना साकार नहीं कर पा रहे, तो आप ये कह रहे हैं कि वो सपना ही छोड़ दो? नहीं, कॉम्पिटिशन टफ हो जाएगा। मेरे कहने का मतलब ये है कि अगर रेलवे में पहले 1,00,000 नौकरियां होती थी पर ईयर भर्ती होती थी एग्जाम्पल के तौर पे, तो हो सकता है अब वो 50,000 हो,
तो विकल्प तो आपको तलाशना ही पड़ेगा, जरूरी थोड़ी है कि रेलवे ही आपका भाग्य निकालता है। युवाओं के लिए झटका नहीं है, ओके ओके। ऐसा ऐसा अपना नहीं, मैं यही बोल रहा हूँ कि उससे बेटर ऑप्शन नहीं है। युवाओं के अंदर असीम ऊर्जा है, उससे बेटर ऑप्शन भी उनके लिए अवेलेबल है। सरकार, जनता, स्टेट गवर्नमेंट, हम सबको ये सोचना चाहिए कि बेहतर विकल्प क्या। अभी कुछ सालों पहले की मैं बात बता रहा था, मुझे एक बात समझा सकते हैं मिश्रा जी कि सुनिए, मैं क्योंकि चर्चा करने हमारे मिनिस्ट्री में रोजगार उत्पन्न करने वाला क्षेत्र सबसे ज्यादा कौन सा है? रोजगार की सर्विस क्या बुरी है क्या मिश्रा जी? रोजगार उत्पन्न करने वाला सबसे बड़ा क्षेत्र कौन सा है? प्राइवेट सेक्टर है सबसे बड़ा, प्राइवेट जो उद्योग धंधे हैं वो सबसे बड़ा सेक्टर प्राइवेट है, और सरकारी और उससे भी बड़ा स्वरोजगार है अगर देखेंगे तो। अच्छा, मतलब सब रोजगार है। सबसे बड़ा वैसे एग्रीकल्चर सेक्टर है, एग्रीकल्चर इंडिया में डाटा वाइज से एग्रीकल्चर सेक्टर है। तो रेलवे, रेलवे में जो है वो रोजगार नहीं मिलता है लोगों को, आप मुझे ये समझा रहे हैं? मैंने कब बोला रोजगार नहीं मिलता है? कम मिलता है, ज्यादा मिलता है, ये बात दूसरी है। ओके, हर एक चाय की दुकान पे भी रोजगार मिलता है। हाँ, तो अब आप ये बोले कि भैया एमबीए करने के बाद चाय पकौड़ा तलो, तो फिर वो तो एक अलग विषय हो जाएगा। ओके, देखिए जावेद अंसारी, चावला जी मैं आपको बता दूं, नहीं मेरी बात सुनिए, पढ़ाई का मतलब ये नहीं होता है। आप मुझे ये बताइए, कितने लोग आईआईटी से टॉप करते हैं और जाके सिविल सर्विस में चले जाते हैं? कितने लोग पत्रकारिता जगत में ऐसे हैं जिन्होंने पढ़ाई पत्रकारिता की है लेकिन काम कुछ और कर रहे हैं या किसी और फील्ड की पढ़ाई की है? जो पत्रकार है वो भी क्या कर रहे हैं सबको मालूम है। छोड़िए ना मिश्रा जी, अब छोड़िए उस बात को। मेन स्ट्रीम मीडिया चैनल है वो जहर दिखा रहे हैं, और आप आज देश का ऐसा मुद्दा दिखा रहे हैं जो पूरे देश के युवाओं को प्रभावित करता है, हमारे युवाओं को प्रभावित करता है। कौन सा जहर दिखा रहे हैं? कौन सा जहर दिखा रहे हैं जरा बता दीजिए। आप मुझसे बेहतर जानते हो, वरिष्ठ पत्रकार हो आप। मैं नहीं बेहतर जानते हो सर। अरे आप नेता हैं, मंत्री, आप मुझसे बेहतर जानते हो। मुद्दों पे बता देता हूँ युवाओं के रोजगार पे चले गए। आप यहाँ बैठ के जहर मत उगलिए। कौन सा जहर पे मुद्दा चला रहे हैं जरा मुझे बताइए। आप जहर उगल रहे हैं। मिश्रा जी भाजपा के प्रवक्ता वाली भाषा मत। एक सेकंड प्रीतपाल जी, आप एक पत्रकार है, प्रीतपाल पत्रकार है, उसकी प्रीतपाल जी सर। मिश्रा जी लाइव में कमेंट आया, बेरोजगारी खत्म करने का अचूक फॉर्मूला, पद खत्म कर दो रोजगार खत्म ना रहेगी नौकरी, पद ही खत्म कर दो। मिश्रा जी, चावला जी, एक शेर है, हम लोगों को कहा जाता था कि खुदी को कर बुलंद इतना कि खुदा भी पूछे बता तेरी रजा क्या है। अब मैं दूसरे सवाल पे आता हूँ, स्टेट वाइज जरा डाटा पे आ जाइए। आपको पता है सबसे ज्यादा रोजगार कौन से स्टेट में होता था और सबसे ज्यादा बेरोजगारी कहाँ है? हरियाणा में। आपको डाटा बता देता हूँ, 34.2। आप मेरी बात सुन लीजिए, शहरी बेरोजगारी आपके उत्तराखंड नंबर वन। आपके पास फिगर गलत है, आपके पास फिगर गलत है, राजस्थान दूसरे नंबर पर है। सबसे पहला अभी आज का लेटेस्ट बता रहा हूँ, आंकड़ा उठाइए पहले, या तो मुझे कंप्लीट कर, आप आंकड़ा उठाइए ना। आपने कहा ना, मैं बता रहा हूँ आपको, हरियाणा टॉप पर है, राजस्थान दूसरे नंबर पर है, शहरी बेरोजगारी में उत्तराखंड नंबर वन है। अब आप बोलिए, सबसे ज्यादा SGDP जो थी वो महाराष्ट्र की थी, सबसे ज्यादा रोजगार महाराष्ट्र में होता था, सारे देश के लोग वहां जाते थे। जितने मेट्रो शहर है, बंगाल का भी बहुत ज्यादा रोजगार दिया करता था। बंगाल में आज रोजगार क्यों नहीं है? टाटा को भगा दो, रोजगार कहां से? दिल्ली में देखिए जरा कितने परसेंट बेरोजगारी और महंगाई है, जरा बताइए, डाटा बताइए, है आपके पास? क्यों दिल्ली का रोजगार खत्म हो गया? क्यों नहीं दिल्ली में इतना लोग? हरियाणा में 34.5% है, हरियाणा में 34% है, आपके राज्य में। जी प्लीज, जी प्लीज, आपके राज्य में। जी प्लीज, दिल्ली में डाटा। अच्छा, एक सेकंड मलिक साहब, दिल्ली का डाटा देख लीजिए, दिल्ली में ज्यादा। आपके मुताबिक किस राज्य में सबसे ज्यादा है? आप कह रहे हैं महाराष्ट्र में सबसे ज्यादा है। मैं मान गया आपकी बात। अब सवाल ले लो, सवाल ले लो मिश्रा जी। अरे रोजगार डेवलप करने में स्टेट गवर्नमेंट का कोई रोल नहीं होता। सवाल ले लो, ये भाजपा राज्यों की बात नहीं करेंगे। एक मिनट, फिर दलाली की बात करेंगे। एक मिनट, जिस देश में
एक साल तक युवा सड़कों पे बैठा रहे, वहां पे शाहीन बाग बना करके, ऐसे युवाओं को रोजगार चाहिए? एक साल तक बैठे रहे शाहीन बाग, ये सारी की बात कर रही है मिश्रा जी, ये थैंक यू सो मच रोजगार युवाओं को मिश्रा जी आंदोलन में बैठा के युवाओं को रोजगार दे रही थी ये मिश्रा जी, थैंक यू सो मच, थैंक यू सो मच, थैंक यू सो मच। कम से कम आपने ये तो माना कि देश में बेरोजगारी है, जिस बात के लिए प्रधानमंत्री ने माफी मांग ली उसको आप यहाँ पे कह रहे हैं, हाथ जोड़ के प्रधानमंत्री ने माफी मांगी किसान के लिए? गुस्सा क्यों हो रहा है? महंगाई है, बेरोजगारी है, मैंने शुरू में ही बोला था। अच्छा बोला था, मगर वो भारतीय जनता पार्टी के राज्य सचिव में नहीं है, समय वो दूसरे के, वो आम आदमी पार्टी के सरकार में है। ओके, मिश्रा जी का कहने का मतलब है कि भारतीय जनता पार्टी शासित राज्यों में महंगाई बेरोजगारी नहीं है, महंगाई नहीं है, खाली आम आदमी पार्टी कर रहा हूँ। एक मिनट, पूरे आपने देश की बात नहीं की, आपने शुरुआत महाराष्ट्र से की, बंगाल से की, आपने उत्तर प्रदेश से क्यों नहीं की? आप उत्तर प्रदेश से करते, उत्तराखंड से करते, हरियाणा से करते, कौन से नंबर पे था? यूपी और बिहार, गुजरात रोजगार क्रिएट होता था। एक मिनट, गुजरात एकदम निचले स्तर पे, आपको पता नहीं है, जानकारी नहीं है। प्रीतपाल जी, बेटा निकालिए, एक के मिश्रा जी प्लीज, एक के मिश्रा जी, 70 साल में तो कुछ किया ही नहीं हमने, 60 साल में हुआ है, 70 साल में तो कुछ किया ही नहीं हमने। लाइन में कमेंट कर रहे मिश्रा जी प्लीज, बेरोजगारी थी ही नहीं 70 सालों तक, एक भी आदमी बेरोजगार नहीं। एक मिनट, एक मिनट, लाइन में कमेंट, उनको कांग्रेस पार्टी मिश्रा जी क्या कर रहे हो मिश्रा जी, लाइन में मैं क्लियर कर दूं, जो लाइन में कमेंट कर रहे हैं मैं बिल्कुल क्लियर कर दूं, तिलक चावला दो दो बीजेपी के प्रवक्ता मत बिठाया करो। मैंने दो बीजेपी के प्रवक्ता नहीं बिठाए, आप गलत सोच रहे हैं, एक बीजेपी के प्रवक्ता है, एक राजनीतिक विशेषक है। भैया किसी की सोच को मैं नहीं बता सकता, चीजें बोल रहा हूँ। हाँ ओके, अब पता नहीं क्यों पार्टियों को चिढ़ लगती है, इनसे पूछिए, दारू पी करके मुख्यमंत्री मीडिया पे आता है, वो रोजगार क्रिएट करेगा? दारू की इंडस्ट्री क्रिएट करेगा ना प्रीतपाल जी, एक सेकंड, दारू पी के मुख्यमंत्री यहाँ मीडिया पे आते हैं, योगी आदित्यनाथ जी चिलम चढ़ा के आते हैं, पता कि नहीं? डिबेट का सारा, एक सेकंड, ऑडियो नीचे, योगी आदित्यनाथ जी चिलम चढ़ा, आपने दारू पीते मिश्रा जी, मजाक समझ रखा आपने डिबेट को, दारू पीते देखा आपने, आप लोगों ने मजाक समझ रखा डिबेट को, देखा आपने, फिर आप कहते हैं बेरोजगार पर चर्चा नहीं होती, देखा चिलम लेते हैं प्रीतपाल जी, अरे है ऐसा, प्रीतपाल जी, प्रीतपाल जी मुद्दे पे आइए प्लीज, फिर कहते पूरे देश में बेरोजगारी पर चर्चा नहीं होती, चर्चा करो तो आप लोग स्तर पर आ जाते हैं व्यक्तिगत। प्रीतपाल जी ऑडियो नीचे है, सवाल सुन लीजिए, आपने डाटा ढूंढा कितना रोजगार दिया दिल्ली में, अब हो गया मिश्रा जी, हो गया मिश्रा जी प्लीज, प्रीतपाल जी डाटा ढूंढा कितना रोजगार दिया, कहां है पोर्टल में, कहां लिखा हुआ दिखाइए, प्रीतपाल जी का ऑडियो, प्रीतपाल जी का ऑडियो उठाइए, प्रीतपाल जी आपसे क्यों किया जा रहा है, ऑडियो नीचे क्यों किया जा रहा है, मैं आगे से आपके चैनल को जुड़ूंगा नहीं अगर ऑडियो नीचे होगा तो, आपने मुझसे सवाल पूछा, मैं आपको डेटा दे रहा हूँ, मुझे बोलने का मौका मिलेगा, इनकी सबकी ऑडियो बंद कराइए पहले, जो इनको तो